का चाची इस मुस्लिम एरिया को लूट रहे हो, हम की पटरी तुम क्या करोगे, दुकानों पे कब खुलेगी तुम करोगे, उससे कह रहा है ऐसा बोलना अलाउड नहीं है, तुम क्या करेगा। नमस्कार, मैं अंजलि चौधरी, आप देख रहे हैं दिगंटा। कांग्रेस नेता और ओखला से पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान एक बार फिर से विवादों में हैं। आसिफ मोहम्मद खान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान पर दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर से धक्का मुक्की और बदतमीजी करने का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने उनके साथ दो और लोगों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल शाहीन बाग में कांग्रेस नेता आसिफ खान एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके भाषण पर पास में खड़े एसआई ने आपत्ति जताई और बोलने से मना किया। बस इसी बात पर नाराज होकर आसिफ खान एसआई पर बिफर गए। उन्होंने माइक से ही एसआई को लेकर अपशब्द का इस्तेमाल किया। आसिफ खान ने सब इंस्पेक्टर को ना सिर्फ गालियां दी बल्कि उनके समर्थकों ने हाथापाई और धक्का मुक्की भी की। और वो बेचारे के खिलाफ रुक जाइए, जानता नहीं है कौन है वो। कैसे मेरे पुलिस वाले कितने सीधे करती है। इस मुस्लिम एरिया को लूट रहे हो, हम की पटरी तुम क्या करोगे, दुकानों पे कब खुलेगी तुम करोगे, उससे कह रहा है ऐसा बोलना अलाउड नहीं है, तुम क्या करेगा। ओखला के जामिया नगर से पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान का एसआई से बदतमीजी का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें देखा जा सकता है कि एसआई समेत तीन पुलिसकर्मी सैकड़ों लोगों के बीच में फंसे हुए हैं। कांग्रेस से पूर्व पार्षद और विधायक रहे आसिफ मोहम्मद खान पुलिसकर्मी को लाउडस्पीकर के जरिए धमका रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, उनके समर्थक पुलिसकर्मियों को धक्का दे रहे हैं। किसी तरह पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर से धक्का मुक्की और बदतमीजी के आरोप में आसिफ खान और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 186 और 353 के तहत शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में अब पुलिस ने आसिफ खान को गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ मिनहाज और शाबिर को भी हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। दिल्ली पुलिस ने बताया था कि आसिफ मोहम्मद खान की बेटी आरिबा खान कांग्रेस से एमसीडी काउंसलर की उम्मीदवार हैं। ये घटना तैयब मस्जिद इलाके की है। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस टीम ने भीड़ को देखा तो मौके पर पहुंच गई थी। वहीं आसिफ मोहम्मद खान की गिरफ्तारी के बाद उनकी बेटी आरिबा खान ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरिबा खान का आरोप है कि 50 से ज्यादा पुलिस वाले उनके घर घुस आए और आसिफ मोहम्मद खान को जबरदस्ती उठाकर ले गए, उनकी उंगली भी तोड़ दी और उनसे बदतमीजी की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। आप खुद सुनिए आरिबा खान ने क्या कुछ कहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिबा आसिफ खान हूँ। आधा घंटा पहले पुलिस के कम से कम 50-60 लोग हमारे घर के अंदर घुस गए, उन्होंने हमारे दरवाजे तोड़ दिए, घर के अंदर आदमी पुलिस वाले घुसे, उन्होंने मुझे मैनहैंडल किया,
छुआ मुझे, पकड़ा मुझे आदमी पुलिस वालों ने, मेरी उंगली तोड़ दी वाली, और हमारे फोन छीन के ले गए। मैं उनकी वीडियो बना रही थी। कम से कम 70 पुलिस वाले घुसे हमारे घर में रात के इस वक्त, और पापा को खींच के ले गए, उनको गाड़ी में डाल के ले गए, पता नहीं कहाँ पे अकेले घुसे, सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए, किसी को आने नहीं दिया। हमारे लोग आए पापा के सपोर्ट में, तो उनको भी उठा के ले गए साथ में। मुझे छुआ गया है, मुझे मैन हैंडल किया गया है। वहीं आसिफ मोहम्मद खान की गिरफ्तारी के बाद आरिबा खान के इस वीडियो को देखने के बाद दिल्ली ओखला के विधायक अमानतुल्ला खान का रिएक्शन सामने आया, और साथ ही उन्होंने पुलिस पर सवाल भी खड़े किए। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अभी अभी मैंने एक वीडियो अरिबा आसिफ मोहम्मद खान की देखी, जिसमें वो बता रही थी कि उनके वालिद आसिफ मोहम्मद खान को दिल्ली पुलिस जबरदस्ती रात में उनके घर से अरेस्ट कर ले गई। वो बता रही थी कि दिन में आज तैयब मस्जिद के बाहर पुलिस वालों के साथ उनकी कुछ कहासुनी हो गई थी। मैं पुलिस से पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या, ऐसा इतना बड़ा जुर्म आसिफ मोहम्मद खान ने कर दिया था कि आप रात के अंधेरे में कई सौ पुलिस वालों के साथ जबरदस्ती उनको उठाकर लेकर गए। इलेक्शन का वक्त है, अगर जज्बात में कोई बात कह भी दी, कुछ कहा सुनी अगर हो भी गई, तो ये इतना सीरियस मुद्दा नहीं था कि आप रात के अंधेरे में पूरी फोर्स लगा करके पूरे इलाके में डर का माहौल पैदा करके आप जो है उनको अरेस्ट करके ले जाएं। आखिर पुलिस चाहती क्या है, शाहीनबाग की पुलिस या ओखला या दिल्ली पुलिस क्या चाहती है, क्या दिखाना चाहती है? तो ये इस तरह की गिरफ्तारी सरासर गलत है, और मैं इसकी निंदा करता हूं, और मैं पूरी तरह से आसिफ मोहम्मद खान की फैमिली के साथ खड़ा हूं। मेरा सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इंसानियत के नाते और ओखला का एमएलए होने के नाते मैं उनके साथ खड़ा हूं। जो भी मुझसे बनेगा, मैं उनकी बेटी के और उनकी फैमिली के पूरी तरह से साथ हूं। हालांकि आसिफ खान पहले भी इस तरह के मामलों के चलते सुर्खियों में रह चुके हैं। साल 2021 में उन पर दिल्ली एमसीडी के कर्मचारियों से मारपीट और उन्हें मुर्गा बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। उस समय एमसीडी कर्मचारियों को मुर्गा बनाने का वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एमसीडी इंस्पेक्टर की शिकायत पर मामले का संज्ञान लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। शाहीनबाग पुलिस ने आसिफ मोहम्मद खान को गिरफ्तार कर कोर्ट में भी पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट ने आसिफ खान को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजने का आदेश दिया था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहें दिकंचाप के साथ, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।